जोहार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। क्या आप सभी को मालूम है कि दुनिया का सबसे ताकतवर सब्जी क्या है? बहुतों को मालूम है और बहुतों को मालूम नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में हम वही फल का सब्जी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर वो सब्जी क्या है, वो फल क्या है। जो फल का मैं बात कर रहा हूँ वो है कंटोला। आप देख सकते हैं ये है कंटोला, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर सब्जी माना जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा कंटोला के लताएं हैं, और अभी हम लोग ये जो कंटोला है उसे हम लोग तोड़ेंगे और घर ले जाएंगे और सब्जी बनाएंगे। ये जो कंटोला है उसे तो हम लोगों ने तोड़ लिया है, जिसे हम ओचन भी कहते हैं, और साथ में ये मशरूम भी है। तो ये दोनों को हम लोग आज मिला करके बनाएंगे, और इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स लगेगी वो ये है मिर्च, अदरक और लहसुन, जिसका हम लोग पेस्ट बनाएंगे। और मसाला में है ये मिर्च पाउडर है, हल्दी है, ये है जीरा है, और ये मिक्स मसाला, और साथ में सरसों तेल, नमक, प्याज, और स्वाद के लिए, हल्का खट्टापन के लिए हम लोग ये टमाटर यूज़ करेंगे। ये कंटोला को हम लोग चार टुकड़ों में काट रहे हैं, और आप देख सकते हैं इसके बीज भी हैं। जब ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी तो ये बीज भी खाने बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा यहाँ अदरक, मिर्च और प्याज का पेस्ट बन रहा है और बन के रेडी भी हो गई है। तेल गरम हो गई है और अभी हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है और अभी हम लोग जो पेस्ट बनाए हैं वो पेस्ट को डालेंगे। अच्छा से मिला लें। बाद ये जो मसाला है, मसाला को पूरा मिक्स करेंगे। मसाला को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अभी हम लोग ये जो सब्जी है कंटोला उसको पूरा मिक्स कर देंगे। तो अभी जो हम लोग के पास जो मशरूम है इसे डालेंगे। कंटोला और मशरूम की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग ये दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं। तो यहाँ गांव के लोग अक्सर ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद अभी जो टमाटर हैं, टमाटर को हम लोग डाल दिए हैं
हम लोग नमक भी डाल दिए हैं स्वाद अनुसार। और ये जो पानी है, पानी भी अभी हम लोग डालेंगे ताकि वो चिपके ना। और पानी तो इसलिए भी डालते हैं, दो चीज़ हो जाती है, एक तो नहीं चिपकती है और दूसरा तो उसमें थोड़ा सा वो ग्रेवी आ जाती है। ये ढक्कन जो है अभी हम लोग ये सब्जी को कवर कर देंगे ताकि जल्दी पके। आप देखिए अभी ढक्कन हम लोग लगा लिए हैं और जो फ्लेम है फ्लेम भी बढ़ गई है। अभी दो तीन मिनट के इंटरवल में ये ढक्कन को हटा करके सब्जी को चेक करेंगे, फिर थोड़ा सा हिलाना होगा। जैसे कि मैंने कहा था दो तीन मिनट के बाद ढक्कन को हटा करके हम लोग चेक करेंगे। और अभी हम लोग और थोड़ा सा देर रखेंगे और लगभग तीन मिनट। हमारा कंटोला और मशरूम का रेसिपी बनके तैयार, और अभी हम लोग चूल्हे से नीचे उतारेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंटोला और मशरूम वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। कृपया आप भी अपने घर पे बनाएं और ताकतवर बने ये सब्जी खाकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपसे मिलते रहेंगे और भी नए वीडियोस के साथ। जोहार।